जय श्री राम सभी को। बाकी और सब मस्त, सब ठीक ठाक, हाल चाल मस्त रहे। बाकी भाई साहब आप ना गेस करो आज मैंने कितने बजे ब्लॉग स्टार्ट किया है। गेस करो भाई। आज ना मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठ गया तो मैंने सोचा भाई नहा धो के ब्लॉग स्टार्ट करने का झंझट क्यों रखें, सीधे सीधे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। 7 बज रहे यार, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। एंड भाई साहब कल से ना, हाँ 3-4 घंटे, 9:30 बजे कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। बट परसों भाई मैंने 8:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया था, परसों से 1.5 घंटे पहले एंड कल से 3-4 घंटे पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट आज कर लिया है। एंड भाई साहब सुबह ब्लॉग स्टार्ट करके इतना अच्छा लग रहा है मैं क्या बताऊँ यार। बाकी अभी ना चलते हैं, फटाफट से ब्रश करते हैं, फटाफट से नहाते धोते हैं। भाई पता है क्या, इतनी सुबह नाश्ता तो बना नहीं होगा, तो मस्त गर्मा गर्म चाय बिस्किट इंजॉय करेंगे भाई। फिलहाल मस्त नहाने दोनों हो चुके हैं, नहाने दोनों के बाद ना मैंने सोचा था मस्त गर्मा गर्म चाय बिस्किट इंजॉय करेंगे, बिकॉज नाश्ता तो बना नहीं है अभी तक। बट भाई साहब मम्मी ने मेरा पोपट बना दिया, आप चेक करो। चाय बिस्किट की जगह मम्मी मुझे अनार काट के दे दी यार, तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल अनार इंजॉय करते हैं। बट इसका रिव्यू हम मम्मी से लेंगे। माता जी इधर देखिए थोड़ा सा, प्लीज लुक हियर, ये अनार कब तक चलेगा। माता जी मैं चाय बिस्किट की लालच में इतना जल्दी नहा धो के आया, आप मुझे अनार पकड़ा दी। माता जी प्लीज आप कुछ बोलने का कष्ट करेंगे, वो तो 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, मतलब अनार खाना ही पड़ेगा यार। मम्मी जी नाश्ता हो गया, हमको भूख लग गया बहुत तेज भाई, पराठे बनाए जा रहे हैं। फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म नाश्ता वास्ता तो आ चुका है, पराठा, आलू बैंगन का सब्जी, भाई भिंडी का भुजिया यार, बाकी आम का अचार तो मस्त है। तो अभी ना फटाफट से नाश्ता एंजॉय करते हैं भाई। अभी ना मस्त अपना नाश्ता वास्ता हो चुका है। बट भाई साहब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ, हम तो नाश्ता करके फ्री हो गए ठीक है, बट भाई आप इधर चेक करो, माता जी अभी तक नाश्ता वास्ता बना ही रही है। बिकॉज अभी मम्मी पापा सब बाकी है ना, मैं मोनू छोटी हम तीनों खा लिए, अभी मम्मी पापा बाकी है, तो अभी भाई रोटियां बन ही रही हैं यार। तो मम्मी जी इधर थोड़ा देखने का कष्ट करेंगे आप, और कितना रोटी बनाना है? 2-4 बनी। मम्मी आज सैटरडे है ठीक है, ठीक ना, याद है ना आज सैटरडे है। ठीक, थैंक यू। मैं कुछ मम्मी को बस याद दिला रहा था, रैंडमली याद दिला रहा था कि आज सैटरडे है, तो मम्मी समझ गई कि मम्मी को क्या करना है ठीक है। बाकी हाँ सैटरडे मैंने क्यों बोला मैं आप लोगों को कुछ देर में बताऊंगा। बाकी अभी हम चलते हैं फटाफट से मेडिसिन ले लेते हैं, बिकॉज भाई मेडिसिन मस्त है, फटाफट से मेडिसिन खा लेते हैं, नहीं तो मम्मी जी का डांट कौन खाएगा। ये रहे मेडिसिन एंड ये लाल वाला कड़वा लगता है। दवाई ववाई तो कब का ही खा लिया था, दवाई ववाई खाने के बाद ना भाई मैं कुछ देर दुकान पे बैठ गया था, एंड अभी दुकान से जस्ट फ्री हुए। एंड आप ना एक बार टाइम चेक करो, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। एंड भाई अभी मैं ना जा रहा हूँ मम्मी से परमिशन लेने मस्त गर्मा गर्म चाय वाय बनाने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि मम्मी जी हमको परमिशन देने वाली हैं, बिकॉज आपको दिखाने से पहले मैं ही मम्मी का शक्ल देख के बता सकता हूँ भाई। मम्मी पहले से ही नामे मुंडी हिला रही है, मम्मी परमिशन देने वाली नहीं है। पहले ही नामे मुंडी हिला रही है यार, मम्मी सुबह से एक भी कप चाय नहीं पीने दो ना प्लीज। अदरक वाला चाय बनाएंगे अभी नहीं, 2:30 बज रहा है ना, अभी खाने पीने का टाइम है, इसलिए अभी नहीं तो फिर कब, कभी नहीं भाई। मैं समझ गया यार, मैं जो ट्रिक लगा के बैठा था ना कि मस्त एक बार दूध वाला चाय हो जाता था, एक बार नींबू चाय हो जाता था, मम्मी चाय पीने कोई मना कर रही है यार, सीधे बोल रही है दिन में एक बार, सुबह में तो मिलेगा ही नहीं, सुबह में अनार खाना रहता है, अब चाय मिलेगा ही नहीं सुबह में। एंड भाई दोपहर में खाने का ही टाइम होता है, शाम को ही चाय डायरेक्ट मिलेगा यार, पूरे दिन में एक बार चाय पी के जिंदा हूँ यार मैं क्या बताऊँ। बाकी यहाँ कोई नहीं, फिलहाल अभी वैसे खाने पीने का टाइम है। एंड मैंने ना मम्मी को आज सैटरडे है ये याद दिलाया था, तो क्यों याद दिलाया था अब आप लोगों को पता चलेगा कुछ देर के बाद। फिलहाल मस्त अपना गर्मा गर्म लंच आ चुका है, खिचड़ी चोखा एंड पापड़, तो अभी ना मस्त गर्मा गर्म लंच करते हैं। पता है क्या, इसीलिए मैं मम्मी को याद दिला रहा था कि आज सैटरडे, सैटरडे के दिन खिचड़ी खाया जाता है ना, तो इस वजह से मैं मम्मी को थोड़ा याद दिला रहा था कि आज सैटरडे है, तो मम्मी समझ गई थी कि खिचड़ी बनाने को बोल रहा है, तो अभी ना खिचड़ी इंजॉय करते हैं भाई। फिलहाल खाना वाना खा के ना मैं मस्त मूवी देख रहा था, आज दो अच्छे मूवी दे रहे हैं, एक तो वारिस दे रहा है शायद वारिस की वरिसू, एंड एक दे रहा है भाई साहब टाइगर जिंदा है। एंड पता है क्या, मैं मूवीज देख रहा था तब तक ना मम्मी जी आके क्या बोल रही हैं,
भाई सांप निकला है। मम्मी इधर है एंड भाई इस साइड में ना कहीं सांप है। मम्मी पापा दोनों इधर है। जस्ट लुक एट दिस भाई, यहाँ पे कहीं तो गया भाई, यहाँ पे था ये इस साइड वो देखी भाई चला गया इसी साइड में गई भाई, चला गया, पता नहीं कौन सा सांप था, चला गया उस साइड, चला गया पानी साइड, चला गया। हम तो क्लियर देख ही नहीं पाए उसको, इतना स्पीड में निकला। मम्मी पूरा क्लियरली देखी है, यहाँ पे था एकदम। मम्मी ही हम लोगों को बुला के लाई, सांप है। हवा पी रहा था, हवा इधर गया। अभी पानी में नहीं उतरा है, लेकिन पानी में उतरता तो पानी ये होता फैलता, पानी में नहीं उतरा है उधर ही। गजब भाई साहब, घर के साइड में सांप दिखा। फिलहाल अभी मैंने मोनू को बताया, मोनू भी अभी जस्ट सांप देखने जा रहा है। सांप के जाने के बाद सांप देखने आया है, चला गया तब आया सांप देखने। हम यहाँ पे देखे, हम यहाँ ईटा के पास देखे थे, बनिया है जमल, इतना नहीं है, चलते ना देखे, खपड़ बिछुए ना होते ही। भाई इस साइड में बहुत डेंजर है, सांप खपड़ बिछा इस साइड में, बाप रे। अभी घर के साइड में ना थोड़ा पानी वानी जम गया है बरसात के वजह से, तो इस वजह से ना जहरीले जो जीव जंतु हैं ना, जैसे सांप, खपड़ बिच्छा अगर काट ले ना तो भाई आदमी मतलब बच ही नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा, बट ऐसा कहा जाता है। एंड घर के साइड में पानी जो जम गया ना, इस वजह से ना भाई साहब बहुत जहरीले जीव जंतु देखने के लिए मिल रहे हैं भाई। कल का ही बात है यार, परसों का नहीं, कल का ही बात है। दो बीच का मतलब भाई क्या कहते हैं, स्कॉर्पियन ऐसे ही कुछ कहते हैं ना, स्कॉर्पियन, हाँ भाई बीच देखने को मिले थे भाई। क्या मतलब डेंजर दिख रहा था यार। मोनू ने पता ही क्या ईट उठाया, दड़ाधड़ मार दिया भाई, मोनू खत्म कर डाला यार। जहरीला है, कहीं किसी को काट लिया तो फिर डेंजर ही, मतलब बिना मतलब का बवाल हो जाएगा ना इस वजह से। बाकी अभी चलते हैं यार, वैसे भी 4:30 बज चुके हैं। मम्मी जी से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, अब कम से कम चाय बनाने का परमिशन दे दें भाई। अब तो खाना वाना भी खा लिया यार, चाय मस्त है, चाय ज़रूरी होता है यार, मतलब जो चाय पीता है। मम्मी, माता जी मम्मी चाय बनाए, परमिशन मिल गया, परमिशन कैंसिल हो इससे पहले। चलते हैं यार चाय वाय बना लेते हैं, परमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अभी जब से थोड़ा तबीयत का इशू हुआ है ना, तब से मतलब चाय के लिए मुझे परमिशन लेना ही पड़ता है, एंड परमिशन मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अभी परमिशन मिला है तो फटाफट से चाय बना लेते हैं इससे पहले कि मम्मी मना करे। फिलहाल चाय बनाने के लिए ना हमें पहले ऑन करना पड़ेगा गैस, बट भाई गैस का नॉब ही टूटा हुआ है। मतलब पता है क्या, ये वाला नॉब निकाल के हमें ये वाला चालू करना पड़ता है। इसका नॉब भी टूट गया एंड इस साइड का ये जो नॉब है ना, ये भी टूट गया है। तो अभी ना मतलब काम तो चल रहा है, मतलब हम इस वाले नॉब को निकाल के ये वाला निकाल के एंड इससे हम काम तो चला रहे हैं, बट भाई इसे रिपेयर करवाना बहुत ज़रूरी है। एंड ये रिपेयर क्यों नहीं हो पा रहा है पता है, बिकॉज मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ इसलिए ये रिपेयर नहीं हो रहा है। मैं मार्केट जाता तो ये पूरा चूल्हा जो है ना, ये पूरा चूल्हा मैं लेके जाता, इसे रिपेयर करवा के लेके आता, बट भाई मैं अभी बाइक राइड कर नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मैं इसे ले नहीं जा पा रहा हूँ, सो इस वजह से बन नहीं पा रहा है। बाकी अभी मस्त गर्मा गर्म चाय वाय बनाते हैं यार। भाई साहब 2 मिनट में मैगी नहीं बनता है, बट 2 मिनट में भाई चाय बन गया। तो अभी ना फटाफट से चाय को छान लेते हैं एंड चाय इंजॉय करते हैं भाई। फिलहाल चाय बन चुका है, चलते हैं, चाय पहले छोटी को दे देते हैं। भाई इधर से हाथ आया, चाय लेके वापस चला गया। वीडियो में तो भाई हाथ दिख रहा है बट चेहरा नहीं दिख रहा है, एंड रूम में पूरा अंधेरा भी हो रखा है, तेरे वजह से मेरा हाथ जल रहा है। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल मम्मी को चाय दे रहे थे। मम्मी चाय 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 मम्मी जी चाय। मम्मी जी बूढ़ी लग रही थी ना, बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब पता है धुंधला आ रहा था ना, इस वजह से ऐसा लग रहा था चेहरा। बाकी अभी मस्त गर्मा गर्म चाय इंजॉय करते हैं भाई। एंड आज ना मैं मम्मी के सिलाई वाले जगह पे बैठ के चाय पीने वाला हूँ, मतलब यहाँ पे आप चेक करो मशीन है, इधर मेरा चाय है। एंड मैं यहाँ चाय बैठ के क्यों पीना चाहता हूँ पता है भाई, यहाँ पे ना छोटा वाला पंखा लगा हुआ है जिससे बहुत तेज हवा आ रहा है, तो अभी यहीं पे बैठ के चाय पियेंगे। एंड मम्मी आज मशीन पे बैठ के चाय पी रहे हैं।
कन्फर्म है मम्मी उधर से जल्दी जल्दी आएंगे, बिकॉज मम्मी जान रही है ना मैं ज़्यादा देर यहाँ बैठा रह गया ना तो मशीन का सारा धागा मैं फंसा दूंगा। फिलहाल अभी जस्ट हो चुके हैं रात के 8 एंड भाई साहब चाय वाय पीने के बाद ना मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम में फंस गया था, मतलब अपना मिनी ब्लॉग एडिट करने में, एंड उसके बाद ना भाई कुछ देर दुकान पे बैठ गया था, एंड अब भी जस्ट दुकान से मैं फ्री हो चुका है, एंड फ्री होने के बाद ना भाई मम्मी ना मस्त गर्मा गर्म डिनर बना रही थी, तो अभी चलते हैं यार मस्त गर्मा गर्म पहले डिनर करते हैं उसके बाद फिर और भी एक दो काम है, डिनर करने के बाद सारे काम निपटाएंगे। कल मस्त अपना गर्मा गर्म डिनर आ चुका है, पूरी सब्जी करेले का भुजिया एंड आम का अचार तो मस्त है भाई, तो अभी ना मस्त गर्मा गर्म डिनर एंजॉय करते हैं भाई। फिलहाल मोनू आज फिर मस्ती के मूड में बर्फ लेके घूम रहा है भाई, बर्फ लेके घूम रहा है पूरा एक कटोरी बर्फ दौड़ रहा है मैं मक्का खा अभी उधर है फ्रीजर में वापस से बर्फ डाल रहा है कि फ्रीजर से बर्फ निकाल रहा है, ओए फ्रीजर में बर्फ डाल रहा है कि निकाल रहा है, डाल रहा है। छोटी आज मम्मी के प्रोटेक्शन में है, आज पता है मोनू बर्फ ना डाले इस वजह से छोटी थोड़ा सा मम्मी का हेल्प कर रही है, छोटी मोनू से बहस कर रही है, लड़ रही है, नहीं बचा रही है, बचा रही है, वही कह रहे हैं तुमको बचाने के लिए उससे लड़ रही है, आगे 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 आगे, अरे प्रैंक कर दिया, कुछ नहीं था प्रैंक कर दिया, कुछ नहीं था प्रैंक कर दिया। फिलहाल चलते हैं गाय को रोटी दे देते हैं, ओ छुटका रोटी सोटी आ गया, रोटी सोटी खाएगा, ओ उसको उसको बहुत है रोटी खाने का ना, उसको बहुत है, एक मिनट ना दे रहे आ आ आ आ आ आ ओली छोटा बाबू है रोटी सोटी खाएगा, ओली बाबू रोटी सोटी खाएगा बाबू, ये खाने में थोड़ा नौटंकी करता है भाई, रोटी खाया गजब क्या, रोटी सोटी खाएगा बाबू रोटी सोटी खाएगा, हाँ, आधा उसका है पूरा, दबा दे चलो ओके बाय बाय छुटका बाय। फिलहाल मतलब अपना डिनर विनर हो चुका है, गाय को भी रोटी मैंने दे दिया, एंड अब मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने, तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा ना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भाई करो यार, बाकी जो मर्जी करो, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग, राधे राधे।